मेरा नाम राजेश चैत्य वांगड़ है। नाम राजेश चैत्य वांगड़ है और मैं आता हूँ पश्चिमी भारत की वर्ली जनजाति से। हम रहते हैं प्रकृति की गोद में, जो ये बताता है कि हम हैं कौन। दूसरी चीज है हमारी कला। पीढ़ियों से हम अपनी कहानियां इस कला के जरिए कहते आए हैं, लेकिन आज हमारा अस्तित्व ही खतरे में है। लोग विकास और तरक्की की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन ये हमारे खेत खलिहानों को, पेड़ों को और यहां तक कि हमारे जीवन जीने के तरीके को भी निगलते जा रहे हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे हम इस कगार पर आ पहुंचे, एक बार फिर कला के माध्यम से, मगर इस बार वर्चुअल रियलिटी के जरिए। मुंबई से मेरे गांव की दूरी है 130-140 किलोमीटर के आसपास। बेहद सुंदर जगह, सूर्या नदी के किनारे बसा, पहाड़ियों और जंगलों से घिरा। हमारी जिंदगी बेहद सरल है। हम तारपा बजाते हैं, ये एक तरह का वाद्य यंत्र है जो लौकी और बांस से बनता है। जैसे ही कोई तारपा से धुन निकालना शुरू करता है, हर कोई अपने घरों से निकल पड़ता है। जब नई फसल हमारे घर आती है या फिर कोई शादी ब्याह का मौका होता है, तो हमारे समुदाय की विवाहित महिलाएं विशेष कलाकृतियां उकेरती हैं, जिन्हें हम देव चौक कहते हैं। और यही वो बिंदु है जहां से वारली पेंटिंग की शुरुआत हुई। मैंने भी अपनी मां से ये कला सीखी। वारली पेंटिंग भी हजारों साल पुरानी कला है। मुख्य रूप से हम सफेद रंग और रेखा चित्रों का इस्तेमाल करते हैं। सदियों से ऐसा ही होता आया है, लेकिन अब लोग इसे कमाई का जरिया भी बनाने लगे हैं। वो इसमें रंग भरकर इस कला के मूल रूप को ही बदल रहे हैं। कुछ लोग तो इस कला से पैसा बना रहे हैं, लेकिन अधिकांश वारली चित्रकारों को न तो पहचान मिल पा रही है और न ही धन। ये कला हमें दुख से राहत देती है, लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए। दिल उस वक्त कराह उठता है जब हम देखते हैं कि कैसे धीरे धीरे जिंदगियां उजड़ रही हैं। धारतारी यानी धरती मां हमारी जिंदगी का हिस्सा है। धारतारी ही हमें चावल, रागी, फल फूल और कंद मूल देती है। पहले हमें धरती से काफी उपज मिलती थी, वही हमारा पेट पालती थी, लेकिन कुछ दशक पहले चीजें बदलने लगी। मैं अब 45 साल का हो गया हूं, लेकिन मुझे याद है कि जब मैं सिर्फ 14 साल का था, तब मैंने विनाश की पहली झलक देखी। हमारे इलाके के पास कुछ बिल्डिंग बननी शुरू हुई। तब हमसे वादा किया गया था कि ये सब क्षेत्र के विकास और प्रगति के लिए ही है। हम सीधे साधे लोग हैं, हमें जो कुछ बताया गया उस पर हमने भरोसा किया। मेरे माँ बाप ने भी विश्वास किया, लेकिन बाद में हमने महसूस किया कि ये सब कुछ एक माया जाल था। यहां तक कि हम में से कुछ लोगों ने बतौर मजदूर इन परियोजनाओं में काम तक किया, बिना सोचे समझे खुद ही अपनी जमीन को बर्बाद किया। पहले
हमारी जिंदगी एक सुनहरे सपने जैसी थी, और फिर हमें झकझोर कर उठा दिया गया और अब कड़वी सच्चाई सामने खड़ी है। हमारे जिले में दो बड़े बांध हैं जिनसे नजदीकी शहरों को पानी मिलता है, लेकिन हमारे पास ना तो पर्याप्त पानी है और ना ही बिजली। घड़े से पानी लाने के लिए हमें मीलों पैदल चलना पड़ता है। अपने ही पानी और अपनी ही जमीन पर हमारा हक नहीं रहा। आदिवासियों ने पीढ़ियों से यहां की जमीनों पर खेती की है, अब उन्हें अपनी ही जमीन के कागज दिखाने को कहा जा रहा है। भला वो कागज कहां से लाएंगे? हम धरती मां की पूजा करते हैं, हमें कभी किसी कागज की जरूरत नहीं पड़ी। अब तो प्रस्तावित बुलेट ट्रेन भी इस इलाके से होकर गुजरने वाली है, लेकिन ये हमारे जैसे लोगों के लिए उपयोगी नहीं होगी। सच्चाई तो ये है कि इससे तो यहां की प्रकृति पर और उल्टा असर पड़ेगा। हमारे अधिकांश बच्चों को अच्छी शिक्षा नसीब नहीं। दूर दराज के इलाकों में तो स्कूल है ही नहीं। स्कूल जाने के लिए बच्चों को मीलों पैदल चलना पड़ता है। हमारे जंगल, जमीन और गांव पर भी खतरा है। अगर ये सब खत्म हो गया तो हम कैसे जिएंगे? कैसे हमारी कला पनपेगी? हम परिवर्तन के विरोधी नहीं, पर कम से कम हमें ये चुनने का मौका तो दिया जाए कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं। मुझे इस नई तकनीक वाली चित्रकला के जरिए कहानी कहना रास आ रहा है, तो बस इतना कीजिए कि जो अच्छा है उसे हमें चुनने दीजिए। कम से कम इतना हक तो दीजिए जितना देश के किसी और नागरिक को है। जनजातियां भी भारतीय ही हैं। भारतीय परंपराओं की आत्मा हम में ही बसती है। हमें खत्म मत कीजिए।